किसान साथियों मेस्सी फरगूसन दो सौ इकतालीस कंपनी ने अभी अभी लॉन्च किया है 44 फोर में 44 एच में जैसे कि प्लेनेट्री की लुक थी उस तरह की लुक के साथ ही ट्रैक्टर आता है ऊँचे पैरदान है शानदार लुकिंग कंपनी की तरफ से आगे बम्पर भी दिया जा रहा है लाइटें बॉडी के अंदर और आगे से जो ट्रैक्टर की लुक है वो काफ़ी अच्छी है मैसी के लोगों के साथ ये देखिए दूसरी साइड से भी आप ट्रैक्टर की लुक देख सकते हैं एकदम न्यू लॉन्च है और बारह स्पीड पी इस ट्रैक्टर के अंदर हैं पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आप वीडियो के साथ बने रहिए किसान साथियों ये ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसके दोनों साइड में इस तरह के बटन लगे हुए हैं जिनकी सहायता से ये खुलता है और इसमें हाइड्रोलिक जैक नहीं है ये मैनुअली आपको हाथ से ऊपर उठाना पड़ता है किसान साथियों इसके इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर चवालीस एच तीन सिलेंडर नॉन टर्बो 2500 सीसी का इंजन लगा हुआ है जिसका बोर इक्यानवे दशमलव चार चार एम एम और स्ट्रोक एक सौ mm एम है ये इंजन इसका टॉर्क मैसी नहीं बताता है किसी भी ट्रैक्टर का अपने ऑफिशियली मैसी कंपनी अपने ट्रैक्टर्स का टोर्क नहीं बताती ये आप इंजन देखिए इंजन का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं सैमसंग कंपनी का टी थ्री ए इंजन है 325 सीरीज का मैसी 241 में आने वाला इंजन ये नहीं है और मैसी 245 में आने वाला इंजन भी नहीं है नया डिज़ाइन इंजन है चवालीस एच का इंजन है काफ़ी रिलायबल इंजन है माइको बॉस कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है इंजन को डीजल पहुंचाने के लिए साइड में आपको सिंगल डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर के फिल्टर्स भी दिए गए हैं ये देखिए आप बैटरी को काफ़ी अच्छे से माउंट किया गया है सेफ एकदम आपके हुड के अंदर सेफ़ रहती है और काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग दी गई है पचपन लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की जो कि काफ़ी अच्छी है इस श्रेणी के अंदर यहाँ नीचे आपको इंजन ऑयल फिल्टर और ऑयल चेक करने के लिए गेज आपको दिया गया है हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनाया गया एल्यूमिनियम का रेडिएटर दिया गया है जिससे आपके ट्रैक्टर का इंजन लगातार काम करने के बाद भी ठंडा रहे काफ़ी बड़ा फ़ैन दिया गया है किसान साथियों कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का बॉक्स दिया गया है जिससे आपको बार बार कूलेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती कारों वाला कूलिंग सिस्टम है एकदम यहाँ पर आपको अल्टरनेटर दिया गया है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम को ऑन द रन ऑन द वे रखने के लिए गीला एयर फिल्टर दिया गया है वेट टाइप का थ्री स्टेज टाइप का और इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ है फिल्टर चौक होने पर आपको डैशबोर्ड पे इंडिकेट कर दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है जो कि ड्राई फिल्टर्स में आता है अब गीले फ़िल्टर में भी आने लगा है किसान साथियों इस प्लेट के ऊपर कुछ ट्रैक्टर की एडिशनल डिटेल्स हैं आप वीडियो को पॉज करके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं उसकी एस एफ सी वैल्यू मैक्सिमम पी टी ओ पावर वगैरह दी गई है अगले टायर इसमें आपको छः सोलह के मिल जाते हैं डबल एक्टिंग मैकेनिकल स्टियरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर आता ये देखिए दोनों तरफ से एक्चुएटिंग है दोनों तरफ से रोड अलग अलग आ रही हैं इससे ट्रैक्टर के जो स्टीयर करने में आपकी पावर लगती है काफ़ी कम लगती है और स्टीयर करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है एकदम नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है अगले एक्सल को आप एडजस्ट नहीं कर सकते देखिए एकदम फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल है और गोल्ड टाइप के इसके अंदर आपको दिए गए हैं पैरदान ऊंचे हैं नीचे पैरदान मैसी वाले इसमें नहीं है जो दस पैंतीस गोल सेप वाले में आते हैं एडजस्टेबल सीट आपको दी गई है आगे पीछे ऊपर नीचे और अपने वजन के हिसाब से भी आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिक लोक की सुविधा इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है यह यहाँ पर हाइड्रोलिक लोक का वोल्व दिया गया है आप इसमें टिपिंग ट्रॉली चलाते समय इस लोक का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने ट्रैक्टर को हाइड्रोलिक पे ऊपर टांगकर लोक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है आप देख सकते हैं साइड शिफ्ट का ऑप्शन कंपनी अभी इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं दे रही है किसान साथियों इस ट्रैक्टर के पिछले टायर आपको तेरह छः अट्ठाइस के मिलते हैं और पैंतीस किलो का वेट दोनों पहियों पर पैंतीस पैंतीस किलो के अलग अलग वेट कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रही है पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के तो किसान साथियों पिछले हिस्से को काफ़ी अच्छा मजबूत बनाया गया है वही में से दो वाला पिछला हिस्सा है नॉन प्लेनेट्री है प्लेनेट्री नहीं है सीधा एक्सल इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में दिया गया है नॉन ग्रीसिंग पॉइंट मतलब कोई भी ग्रीस करने की झंझट आपको इसके पिछले हिस्से में नहीं है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है पूरा का पूरा पिछला हिस्सा इसका तेल में डूबा हुआ है और किसान साथियों एक यहाँ पर इसमें हिच लगाने के लिए अभी इसमें हिच लगा हुआ नहीं है हिच इसका एडजस्टेबल नहीं होता है और यहाँ पर ये देखिए आप सिंगल सेंसिंग पॉइंट मिलता है आपके ट्रैक्टर पर लगे हुए इम्प्लीमेंट को जुताई करते समय मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए मैसी की सेंसिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है सत्रह सौ के जी की लिफ्ट कैपेसिटी है ए डी सी कैटेगरी टू टाइप की और यहाँ पर लिंकों का लेवल करने के लिए आपको एक लिंक लेवलर या जैक भी दिया गया है किसान साथियों इसमें सिंगल क्यू आर सी कपलर या एस सी एस सी वी वोल्व दिया गया है जिससे आप टिपिंग ट्रॉली वगैरह लगा सकते हैं और हाइड्रोलिक लोक जो वोल्व है उसका इस्तेमाल से आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसान साथियों इसकी पीटीओ की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 36.5 दशमलव पाँच एच पी सिक्स स्प्लाइन पाँच वाली पीटीओ मिलती है इसके 540 सौ चालीस इंजन रेटेड एम आर पर प्रोड्यूस करती है इसके अंदर आपको मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन भी मिलता है इसके अंदर आपको टोटल 12 स्पीड पीटीओ मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है पीछे से ट्रैक्टर को खेती के काम के लिए कमर्शियली भी काफ़ी मजबूत और हैवी बनाया गया है किसान साथियों आप यहाँ पर इसके लीवर्स की पोजीशन देख सकते हैं कहाँ पर कौन से लीवर को एडजस्ट किया गया है उसके बारे में मैं अभी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा हर एक लीवर के बारे में अलग अलग ऊपर से ट्रैक्टर की लुक देखिए काफ़ी शानदार है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है कुछ अनलोक क्लस्टर्स के साथ ये देखिए तीन हज़ार तक इसका मीटर दिया गया है मीडियम साइज़ का स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी कंफर्टेबल है ना छोटा है ना बड़ा है मैकेनिकल स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर है यहाँ पर आपको लाइटिंग इंडिकेटर्स लोअर बीम अपर बीम पूरी फंक्शनैलिटी लाइटिंग की दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम कारों की तरह राइट हैंड साइड पे आपको हैंड रेस दी जाती है जिससे तो आप अपने ट्रैक्टर को हाथ से एक्सीलरेट कर सकते हैं किसान साथियों नीचे डैशबोर्ड पे आपको पार्किंग मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन करने के लिए एक स्विच दिया गया है बारह वोल्ट डीसी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और एक की सॉकेट दिया गया है आपके ट्रैक्टर को चालू करने के लिए हर एक चीज़ को अच्छी रीच के लिए बनाया गया है अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ड्यूअल क्लच का ऑप्शन मिलता है एक ही पैडल में दो ऑपरेशन वाला क्लच इस ट्रैक्टर के अंदर आता है आधा दबाने पर ट्रैक्टर रुक जाता है और पूरा दबाने पर पी पे लगा हुआ इम्प्लीमेंट भी रुक जाता है एक ही पैडल में दो ऑपरेशन वाला क्लच मैसी के लगभग सभी मॉडल्स में आता है किसान साथियों ये है पीटीओ का लीवर आगे करने पर इंगेज पीछे करने पर न्यूट्रल सिर्फ आपको इससे आपकी पीटीओ चालू हो जाती है आगे करने पर इंगेज पीछे करने पर न्यूट्रल और इसमें एक और पीटीओ का लीवर दिया गया है जिसको अगर आप ये वाला लीवर है येलो कलर का आगे करेंगे तो इसमें मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है और पीछे करने पर लाइव पीटीओ मतलब 540 सौ वाली पीटीओ आपको इसके अंदर मिलती है अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा बारह स्पीड आपको पीटीओ की इस ट्रैक्टर के अंदर कैसे कैसे मिलती है उसका पूरा चार्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा दो लीवर दिए गए हैं पीटीओ के एक इंगेज करने के लिए और दूसरा लेवर जो ले, लीवर है पाँच सौ चालीस आर मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ के लिए ये हैंड ब्रेक है एकदम कारो वाली फीलिंग देने के लिए और किसान साथियों ये है चार्ट आप देख सकते हैं बारह स्पीड हैं एल वन से एल फाइव और एल आर गेयर तक और एच वन से एच आर एल फाइव गेयर तक पूरी की पूरी काफ़ी सारी स्पीड्स इसके अंदर पी टी ओ की दी गई हैं तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलते हैं मल्टी प्लेट के साथ मतलब आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो आपकी लोड भरी हुई ट्रॉली पर भी ब्रेक का सिस्टम काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पर ये पोजिशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दिए गए हैं आपके राइट हैंड साइड पर सत्रह सौ के जी की लिफ्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सारे लीवर्स किसान भाई की रीच में हैं आराम से वो उनसे ऑपरेट कर सकता है ये देखिए इसका डैक का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं ट्रैक्टर का, का। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है छोटा मीडियम साइज का स्टीयरिंग व्हील के साथ किसान साथियों इस ट्रैक्टर की प्राइस छः लाख तीस हज़ार रुपये रखी गई प्राइस फिक्स नहीं है आप थोड़ा ऊपर नीचे बार्गनिंग कर सकते हैं डीलर के साथ ओवरऑल ये ट्रैक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया चवालीस एच सीरीज़ में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद